माईसेल्फ हिना खान अब्दालिया, आई एम अ न्यूज़ एंकर। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ इसलिए है कि हम सब कराची की सूरत हाल को जो है बहुत क्लोजली जानते हैं। हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपने नाजरीन को बताते हैं कि कराची की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। हमने देखा MQM के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में जो है कोई ख़ास हमने नहीं देखी, इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। कराची में साफ पानी अभी तक नहीं है, टैंकर माफिया का राज है, तजावुजात की भरमार है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिवरेज का नकारा निज़ाम है, या तो नकारा निज़ाम है या सिवरेज का निज़ाम है ही नहीं। और आज जो हम देख रहे हैं सूरत हाल कराची में, हालिया बारिशों से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, नदी नालों की क्या सूरत हाल है, ये सब हमने आपको रिपोर्ट किया है। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कराची के शहरियों को इन मुश्किलात का जो है इनका हल चाहिए, इनका काम चाहिए। ऐसे में ये काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो इंटरनली इन सारी सिचुएशंस को जानता हो। मैं समझती हूँ कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ मेमर रहमान साहब इन सब मसलों को बहुत बहुत डीपली जो है वो जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से सिवरेज का निज़ाम, साफ पानी का निज़ाम और ये जो तजावुजात की भरमार है, इन सब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मौका ज़रूर देना चाहिए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, एक बार एक मौका दे के देखिए, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत मुतहरिक हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, हमने देखा है, वो चाहते हैं कि कराची के जितने भी मसाइल हैं उनको वो हल कराने की कोशिश के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच।